सो हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पवन लेके आ चुका हूं न्यू गेम प्ले डो। सो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं बिग सिटी लाइफ सिमुलेटर। सो इस गेम में हम लोग अपने दोस्त के पास आ रखे थे। इसने मेरे को बताया कि तुम्हें मैं अपने साथ जॉब में तो रख लूँगा, बट उससे पहले तुम्हें ना एक मतलब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा अपना। सो अभी हम लोग फटाफट से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने चलते हैं। सो अभी यहाँ पर टैक्सी में मैं बैठ के जा पहुँच चुका हूँ। सो अभी यहाँ पर फटाफट से चलते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर सामने साइड पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए हम लोग को टोटल $100 के हम लोग का मतलब ये बाइक का लाइसेंस बनेगा, और कार के लिए $800 और ट्रक के लिए शायद से $1000 लगेगा। ठीक है, सो अभी हम लोग सिंपल सा बाइक के लिए मतलब लाइसेंस बनवाते हैं, क्योंकि अपने पास अभी इतना पैसे है नहीं। तो सो अभी यहाँ पे हम लोग को ये कोन को बिना छुए ये मतलब लाइसेंस बनवाने के लिए हम लोग का पहले टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग को एक स्कूटर दिया गया है, और इससे मतलब इसने बताया कि ना 5 मिनट के अंदर अंदर हमने ना ये जितने भी रेड लाइन है ना इनको टच करके वापस आना है। ठीक है, और बिना ये कोन को छुए। ठीक है, जैसे हमारे अगल बगल में कोन लग रखे इनको टच नहीं करना हम लोगों ने। ठीक है, सो अभी हमारा टाइमर भी स्टार्ट हो चुका, और 4 मिनट 40 सेकेंड अभी है अपने पास। ठीक है, अभी 20-30 सेकेंड ही ख़त्म हुआ है। सो अभी फटाफट से चलते हैं और ये जितना भी है ना सबको फिनिश करते हैं। ये मतलब आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बट देखो फिर भी मैं ठुक गया, देख रहे हो। सो आसान है बट ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, आराम से करेंगे, और सामने साइड पे अभी टाइम बहुत पड़ा हुआ है। यहाँ से चलो राइट राइट राइट। अरे भाई थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है ये स्कूटर को यहाँ से। अरे अरे घूम, अरे यार देखो कोन को टच कर लिया भाई साहब। शायद से एक कोन से कुछ नहीं होता, मतलब ज़्यादा टच नहीं करना, एक दो तो चलते हैं। ठीक है, मतलब हो ही जाता गलती। सो अरे देखो दूसरा भी टच हो गया, इसकी भैंस करेंगे ये कौन भाई बीच में आ रहे। अरे अभी दोबारा टच हो जाता, रुको यहाँ से चलता हूँ और इस लाइन को टच करते हैं। ठीक है, सो ये भी टच हो चुका है, और अभी अपने पास और कितने हैं भाई, एक लास्ट है मेरे हिसाब से, और थ्री मिनट बच रखे अभी हमारे पास, 3 मिनट और है। और अपना बन चुका है ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है भाई साहब, देख रहे हो। सो अपना लाइसेंस बन चुका है, और हम लोग को अब सीधा काम पे जाना पड़ेगा। और मेरे दोस्त ने कुछ मैसेज भेजा है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन पासिंग द एग्ज़ाम, गेट इन द टैक्सी एंड कम टू मी। उसके पास हम लोग को जाना पड़ेगा। ठीक है, सो फटाफट से टैक्सी में बैठते और सीधा उसके पास चलते अपने दोस्त के पास। सो वो शायद से अपने साथ ही मेरे को काम पर लगवाएगा। ठीक है, अपने साथ ही जॉब में लगवाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन पासिंग वाइल यू कैन स्कूटर, ये क्या भाई साहब पढ़ने ही नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। सो मतलब ये मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन ही कह रहा है कि बधाई हो तुम जीत वो कर गए। सो यहाँ पे अभी मेरे को इसने काम बता दिया है कि हम लोगों ने इसके जो ये है ना पिज़्ज़ा शॉप में हम लोगों ने काम करना है। ठीक है, हम लोगों ने डिलीवरी लेके जाना है। सो ये अपना दोस्त जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग को सीधा पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब मिल चुकी है। ठीक है, सो फटाफट से हम लोग पिज़्ज़ा डिलीवर करने चलते हैं। और आगे साइड पे ये रुको, बाई डूइंग द मूड इन ए गुड मूड द करेक्टर इज़ गेटिंग टायर्ड एंड नॉट सो फास्ट फील हंग्री। सो इफ़ यू वॉन्ट टू सी ए डिस्क्रिप्शन ऑफ डिज़ायर गो टू द पॉज मेनू। सो यहाँ पे हम लोग को क्लिक करने को कहा गया है। सो गुड लक, चलो भाई हो चुका अपना ये सब, मतलब ऐसे बताई जा रहा है। ठीक है, सो ये तो गेम की तरफ से बता रहे, और तुम्हारे भाई ने एक पिज़्ज़ा का डब्बा उठा लिया, अब मेरे को डिलीवर करने जाना पड़ेगा बंदे के पास। और मेरे ऊपर ही बिल्कुल मतलब लोकेशन बता रहा है। ठीक है, एरो मेरे को लोकेशन बता रहा है, और ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है बंदा, शायद से ये रहा सामने साइड पर, ये रहा वही है वही है। चलो यहीं पर रुक जाते हैं भाई साहब, ये स्कूटर को उसके सामने ही रख देते। चलो पहुँच चुके हम लोग, पहला डिलीवर अपना बिल्कुल ही आराम से हो चुका है भाई, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, पता है ज़्यादा मुश्किल है नहीं। $30 मिले अपने को, बहुत बढ़िया फ़ायदा हो गया। और हम लोग को अभी ना रात ज़्यादा हो चुकी है, तो हम लोग को ना सोने के लिए एक होटल चाहिए होगा। ठीक है, सामने साइड पे एक होटल दिख रहा है, और मेरे को किसने मैसेज भी गया, बट अभी इसको चेक करने का कोई टाइम नहीं है। और यहाँ पे हम लोग इधर उधर देख लेते हैं, और कहीं जाने का मैसेज एक बार चेक कर लेते हैं। माइकल नियर बाई देयर इज होटल स्टे ओवर नाइट देयर अंटिल यू गेट बाई योर होम। सो अभी अपने पास घर नहीं है, तो अभी हम लोग को ना इसी होटल में रुकना पड़ेगा। ठीक है, सो होटल के अंदर चलते सीधा। नाउ द होटल डिस्प्लेड ऑन द मिनी मैप। सो चलो अभी हम लोगों ने मतलब मैप के अंदर होटल को भी वो कर लिया, टिक कर दिया। सो अभी हम लोग होटल को बिल्कुल ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चाहे हम जितना मर्जी दूर हो। सो यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके होटल के अंदर, और रिसेप्शन में जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग को अनटिल 7, भाई साहब मतलब ये कितने घंटे के लिए भाई, 7 आवर के लिए $7। सो ज़्यादा हम लोग सोएंगे नहीं, तो 7 आवर का ही रखते हैं। ठीक है, सो सबसे कम में ही कर लेते, और 7 घंटे होने वाले। भाई साहब टाइम देखो कितनी फास्ट चल रहा है, चलो 6 घंटे में उठा दिया क्या,
अरे अच्छा, सुबह के अभी 6 बज रहे। मेरे को लगा 6 घंटे में उठा दिया, बट 7 आवर का नींद मेरा पूरा हो चुका। अभी हम लोग फटाफट से अपने काम पे निकलते हैं। मैं सोच रहा हूँ ना, एक बार ना अपना मतलब यहाँ पे कोई बंदा ना घर घुर सेल कर रहा होगा, तो वो मतलब देख लेता हूँ कितना प्राइस है, उसी हिसाब से फिर मैं उतना ही पैसे कमाऊंगा। नहीं मतलब उससे ज़्यादा ही कमाऊंगा, बट फिर भी एक बार ये घर का प्राइस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सामने साइड पे एक मतलब मेरे को माँ का आ रहा है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। सामने साइड पे एक घर सेल हो रहा है मेरे हिसाब से, सो वहीं पे चलते देखते कितने का मिल रहा है वो। सो अगर अभी भाई मतलब $100 का तो मिलेगा नहीं मेरे को, गारंटी लो $100 में कौन देगा यार घर, तुम खुद सोचो। फिर भी एक बार चेक कर लेते कितने का है, और थोड़े और मतलब पैसे कमाने पड़ेंगे हम लोग को। अरे कितने डॉलर, $7,000 भाई साहब, इतना महंगा, अरे ये नहीं खरीद पाऊँगा मैं $7,000 भाई साहब, उसके लिए तो बहुत काम करना पड़ेगा अभी। सो अभी निकलते अपने काम की ओर सीधा। यहाँ पे पीछे साइड पे एक और घर तो नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, यही है, अकेला यही है, पीछे साइड पे मार्केट है साथ से। सो अभी हम लोग सीधा स्कूटर को उठा के ना सीधा चलते हैं अपने जॉब के ऊपर। ठीक है, जॉब में चलते हैं और वहाँ से फिर पैसे कमाएंगे, फिर इस घर को ज़रूर खरीदेंगे। $7,000 का घर है भाई साहब, और एक अपना व्हीकल भी खरीदेंगे, कार खरीदेंगे एक, या तो एक अच्छी सी बाइक खरीद लेंगे। बट कार यहाँ पे मेरे को ज़्यादातर कार ही दिख रहा है, बस मैं ही चला रहा हूँ स्कूटर, और तो सारे कार ही चला रहे हैं, तो मेरे को भी कार ही खरीदना पड़ेगा। सो वो तो बाद में देखेंगे जब कमाएंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग सीधा अपने जॉब की ओर चलते हैं, अभी से मैं सोचने लग गया कार खरीदूंगा। सो अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं अपने काम की ओर। ठीक है, सो यहीं से ये रहा पास में ही है, सो यहीं पे रुकते और अंदर साइड को चलते हैं। अरे ये रहा, रुक जा अंदर, चलो अभी मैं पहुंच चुका अंदर। और मेरे को अरे यहाँ पे कुछ कंपटीशन लग रखा है, फॉर ईटिंग हैमबर्गर इज हेल्ड एवरी डे। अच्छा, इफ़ यू सेट ए न्यू रिकॉर्ड इन ए मिनट द ऑर्गेनाइजर विल गिव यू ए रिवॉर्ड। भाई साहब अच्छा, हम लोगों ने ना सबसे ज़्यादा 1 मिनट के अंदर ना सबसे ज़्यादा बर्गर खाने हैं। ठीक है, और भाई देख रहे हो, अच्छा फास्ट खाने के लिए ना हम लोग को ना, जैसे आप लोग को स्क्रीन में बटन दिख रहे होंगे, इसी हिसाब से हम लोग को बटन क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, सो जिस हिसाब से फिर हम लोग फटाफट से खा सकते हैं। बट ये तो भाई मतलब ख़तरनाक तरह के दे रखा है, समझ रहे हो, मुश्किल हो रहा है मेरे को इसको क्लिक करने में, मतलब एक तरह के नहीं दे रखे। अरे भाई साहब एक मेरा गलत चला गया, भाई साहब लेट हो रहा हूँ मैं। और अगल बगल वाले के पॉइंट देखो भाई, 300 पॉइंट और 280 पॉइंट, मेरे देखो 84 पॉइंट अभी। भाई साहब मेरे तो बहुत कम है यार, फटाफट से खाना पड़ेगा। अरे यार दोबारा गलत हो गया, और स्पीड में खाना पड़ेगा। भाई देख रहे हो टाइमर भी जा रहा है, लास्ट 18 सेकेंड बज रखे हैं, और 480 भाई साहब, 430 और मेरे 280। भाई साहब मैं हार गया, मेरे को लग रहा है मैं हार गया। भाई साहब सबसे पीछे में आऊँ, अरे 8 7 6 5 4 3 2 1 0, भाई हार गया, मेरे को लग ही रहा था। मेरे 436 है, 570 और 670, भाई सब 670 वाला, भाई मैं थर्ड आया भाई, सबसे पीछे मैं आऊँ, हार गया यार। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीधा अपने काम की ओर चलते हैं यार। भाई दोबारा से एक और मौका मिल जाता तो मज़ा आ जाता, बट अभी मेरे को मौका नहीं मिलने वाला। सो अभी इधर उधर घूम के कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, तो अभी हम लोग सीधा अपने काम की तरफ चलते। और पीछे साइड पर ये क्या है, अरे भाई इतना महंगा घर, कितने का, 10,000। अच्छा ये शॉप है साइड से, हम लोग को ना ये मतलब यही शॉप खरीद सकते हैं हम लोग, बट $1,00,000 का है सच से। सो यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा पिज़्ज़ा डिलीवरी का वो उठा लिया सामान, और फटाफट से स्कूटर पकड़ते और पिज़्ज़ा डिलीवर करने चलते। ठीक है, सो वो भी अभी कितना दूर है भाई साहब, लोकेशन नहीं दिखा रहा यार उसका, सच से वो रस हाँ पास में, ये ज़्यादा दूर है नहीं। और इसकी भैंस के रंग कहाँ भाई, गलत गली में, अच्छा ये रहा गली जा रही है। भाई साहब मेरे को लगा मैं कहाँ गली में लेके आया, और इधर ये पास में ही है सच से, कहाँ ये रहा सामने साइड पे रुक रखा हुआ। भाई साहब अभी यहाँ पे छोड़ते पिज़्ज़ा को, और चलो कॉन्ग्रेचुलेसन। और ये कितने पैसे देता, $30, चलो बहुत बढ़िया, $30 करके हम लोग कर सकते वैसे $7,000, बट बहुत टाइम लग जाएगा उसके लिए। तो सो बस आज के लिए इतना गाइज, और आप लोग को पता ही है क्या करना है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना, और कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना गाइज। सो बस आज के लिए इतना गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।